वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम को दूसरी T20 में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। प्रोविडेंस स्टेडियम गुयाना में खेले गए दूसरे T20 में विंडीज ने 2 विकेट से मैच जीत लिया है। इसी के साथ 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। ऐसे में सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया के लिए बचे हुए 3 मैच करो या मरो से कम नहीं है। इस हार में न सिर्फ अगले साल वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप बल्कि भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराशाजनक प्रदर्शन किया। अपना दूसरा T20 मैच खेल रहे तिलक वर्मा ने केवल अर्धशतक जड़कर टीम को 152 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत ने 2 विकेट 18 रन पर गंवा दिए। फिर सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और उप कप्तान सूर्य कुमार यादव सस्ते में आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा और ईशान किशन ने पारी को संभालने की कोशिश की। तिलक वर्मा ने ईशान किशन 27 के साथ 42 रन की साझेदारी निभाई। टीम इंडिया के नियमित अंतराल में विकेट गिरते रहे। संजू सैमसन 7 रन सस्ते में आउट हो गए। हालांकि तिलक वर्मा ने 41 गेंद में 51 रन बनाए और T20 मैचों में अर्धशतक जमाने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गए। वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या ने मिलकर 38 रनों की साझेदारी निभाई और टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। हालांकि इन दोनों के आउट होने के बाद बाकी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर सके। 20 ओवर में भारत ने 7 विकेट खोकर 152 रन का स्कोर खड़ा किया। अल्जारी जोसफ ने 28 रन देकर 2 विकेट लिए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने नई गेंद संभालते हुए पहला ओवर शानदार डाला। भारत को ब्रेंडन किंग 0 और जॉनसन 4-2 के विकेट मिले। इसके बाद निकोलस पूरन ने भारत के किसी गेंदबाज को नहीं बख्शा। निकोलस पूरन ने 40 गेंद में 67 रन बनाकर अपनी टीम की जीत की नींव रखी। युजवेंद्र चहल ने 16वें ओवर में 2 विकेट लेकर भारत को मैच में लौटाने की कोशिश की। 129 रन पर वेस्टइंडीज के 8 विकेट गिर गए थे।